समाचार प्लस आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आम्रपाली हार्टबीट सिटी का नहीं छूट रहा विवादों से नाता। आम्रपाली हार्टबीट सिटी की जमीन महागुण प्रमोटर को बेची है, ये बायर्स कह रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है आम्रपाली। प्राधिकरण बताए किसकी ये जमीन है, ये बायर सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। लेआउट बदले जाने से बायर्स में गुस्सा है, रोष है। बिना हमारे कंसर्न के जमीन कैसे दे दी गई, ये बायर सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कैसे काम यहां पर शुरू हो गया। महागुण के मालिक धीरज जैन का बयान, हमारा जमीन से कोई लेना देना नहीं, ये धीरज जैन कर रहे हैं। अथॉरिटी ने भी माना प्रोजेक्ट से महागुण का कोई लेना देना नहीं। तो सवाल फिर, महागुण प्रमोटर साइट पर कैसे काम कर रहा है, शाकिराना तरीके से साइट पर कब्जा कर रहा है महागुण। पूरे मामले पर कान में रुई डाले बैठी अथॉरिटी। महागुण के लोग थाने में बैठकर कर रहे हैं सेटिंग। ये तस्वीरें उस जगह की। बायर्स को थाना सेक्टर 39 बुलाया गया। बायर्स को थाने में धमका रहा रिटायर्ड चौकी इंचार्ज। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है, तो कैसे यहां पर काम हो रहा है, देखिए काम हो रहा। तस्वीरें समाचार प्लस पर। महागुण बिल्डर पर आखिर कौन है मेहरबान, आम्रपाली पर है अथॉरिटी का आशीर्वाद, ऐसा लगता है। हार्टबीट के होम बायर से निराश और अब हताश, कहां जाएं। ये हैं वो दावे जो एक दूसरे को छुटला रहे हैं। दरअसल बिल्डर और अथॉरिटी मना कर रहे हैं कि 107 सेक्टर में हार्टबीट सिटी के कॉमन एरिया की लैंड महागुण को ट्रांसफर नहीं की गई है, और महागुण के ही कर्मचारी इंजीनियर जमीन पर कब्जा लेने के बाद जोर शोर से काम करते दिख रहे हैं। तस्वीरें देखिए। आम्रपाली की करतूतों के चलते 7 साल बाद भी इस प्रोजेक्ट का सिर्फ ढांचा खड़ा नजर आता है। अब होम बायर्स का आरोप है कि यहां पर जो जमीन क्लब स्विमिंग पूल समेत कॉमन एमिनिटीज के लिए थी, उसे गुपचुप तरीके से अथॉरिटी की मिली भगत और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाकर महागुण ग्रुप को बेच दिया गया है, ये बायर्स आरोप लगा रहे हैं, और इसीलिए महागुण कब्जा करने में लगा। मैं एक परेशान बायर हूं। 2011 में हमने हार्टबीट सिटी में मकान बुक किया था, बहुत सारे इश्यूज आए। 2015 में मकान मिलना था, आज 18 हो गई है। इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद अब जब लगने लगा कि फाइनली मकान मिलने वाला है, तब यहाँ फिर चीटिंग हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मकान बना के आप कस्टमर को दो, बायर को दो, तो यहाँ पे फिर हमारे बिल्डर ने, हार्टबीट सिटी ने फिर जो जमीन का टुकड़ा क्लब हाउस और पार्क और बाकी सब सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होना था, वो महागुण को बेच दिया। ना तो वो कस्टमर को ध्यान में रख रहे हैं, ना वो बायर को ध्यान में रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं। यहाँ मैंने फ्लैट बुक किया है, शनिवार को मैं आया था यहाँ पर इनके ऑफिस में जाने के लिए, तो जो रास्ता हम 2011 से यूज कर रहे थे इनके ऑफिस में जाने के लिए, उसको मैंने देखा कि कोई दूसरा बिल्डर उसके ऊपर ऐसा लग रहा है वहां बैरिकेडिंग कर रहा है, वो रास्ता ही हमारा बंद हो रहा है। तो ये लग रहा है जिस जगह पे हमारी जो एमिनिटीज आनी थी वहां पर बैरिकेडिंग हो जाएगा और वो जमीन दूसरे बिल्डर को चली जाएगी। ये महागुण बिल्डर के लोग हैं और वो इसके ऊपर बैरिकेडिंग कर रहे हैं। वो जमीन जो है आम्रपाली हार्टबीट ने उनको महागुण को दे दी है, जो हमें पता चला उनके ऑफिस से। कोर्ट के आदेश में ये कहा है कि जब तक उनसे कोर्ट से परमिशन ना ली जाए, ये कोई भी जमीन पे कार्रवाई आम्रपाली बिल्डर नहीं कर सकता है बिना कोर्ट की परमिशन और ऑर्डर के बिना। जो ये मुझे लग रहा है कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के बिना वो ये जमीन किसी दूसरे बिल्डर को बेच रहा है। सबसे सरप्राइजिंग जो चौंकाने वाली बात यह है, 10 मई को हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश पारित किए थे कि सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बगैर प्रोजेक्ट के लेआउट में कोई भी जमीन का बदलाव, ट्रांसफर, एलिनेशन नहीं होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ली जाएगी। और ये ऑर्डर आने के बाद हम यहाँ साइट में आते रहते हैं, हम सब देखते रहते हैं, उससे पहले कोई गतिविधि नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद यकायक ये इन्होंने बैरिकेडिंग काटने का काम शुरू कर दिया। और आई बाप को हमारे रिपोर्टर से धीरज जैन की हुई वो बातचीत सुनाते, जिसमें वो खुद साफ साफ कह रहे हैं कि हार्टबीट सिटी प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जरा गौर से सुनिए। कैसे हैं धीरज जी? बढ़िया डियर, बढ़िया। क्या नई लैंड ले ली क्या कहीं? नहीं। हार्टबीट सिटी में ली है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, यह पुरानी है? अभी हमारी बात चल रही है, तो फाइनलाइज नहीं है अभी। अरे भैया लोग तो आपके बैठ रहे हैं एक हफ्ते से, वहाँ सफाइयाँ करवा रहे हैं, झाड़ियाँ कटवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं कंफर्म किया डियर। मेरे पास तो बायर्स के फोन आ रहे थे हार्टबीट सिटी के,
महागुंड ने ले लिया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ये सब चीजें सबलीग नहीं, नहीं, हार्बर सिटी हमने नहीं ली, हार्बर सिटी हमने नहीं ली, नहीं वो उसका दूसरा पार्ट जो है क्लब की साइड वाला यार, वो तो हार्बर सिटी तो मेरी कहा से बात उनकी चल रही है, कलेक्टिव वालों की, हमारा कुछ नहीं चल रहा। नहीं उसके बाहर का पार्ट है ना शायद, कुछ कुछ पार्ट उसका आपके में आ रहा है और कुछ वो है सबलीग। नहीं मुझे आइडिया नहीं है, मुझे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ। तो काम तो चल रहा सर वहाँ पर आपका, लोगों का? नहीं कुछ काम नहीं चल रहा, नहीं कुछ काम नहीं चल रहा हमारा, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, कुछ भी नहीं। कोई लोग नहीं बैठे हुए आपके वहाँ पर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी, कुछ भी नहीं चल रहा। तो मैं तो कल देख रहा था वहाँ लोग बैठे थे, वो तो कह रहे हैं कि मैं हम महागुन में ही काम करते हैं। नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं चल रहा, और इन्होंने कुछ पुलिस कंप्लेंट भी की है, तो वहाँ भी हमारे जिनका जिनके भी है वहाँ पे गए लोग, उनको सेटिस्फाई कर रहे पुलिस वालों को। अच्छा, कुछ नहीं, हाँ गए थे अभी काम रुकवाने, गए हैं आपके लोग वहाँ काम कर रहे थे तो थाना प्रॉपरली एड्रेस हो रहा है, आप डू नॉट वरी, हम कभी गलत चीज नहीं करते, ना ही करेंगे। और आइए महागुंड के मालिक धीरज जैन के झूठ को बेनकाब कर देते हैं। जब हम उस साइट पर पहुंचे तो वहां काम कर रहे लोगों ने साफ साफ कहा कि ये महागुंड का प्रोजेक्ट है और महागुंड के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है? हार्डबीट सिटी, ये वाली? हाँ ये तो वो है अमरकाली, हार्डबीट सिटी 107 वाला। और ये किसने खरीदी है जमीन? महागुंड वालों ने ली है, तो उन्हीं का काम चल रहा है शटरिंग वेटरिंग। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पहले इसी का पार्ट था ना, वही वाली है ना? तो आप क्या महागुंड के उसमें हो, तरफ से हो, उसकी सिक्योरिटी में हो? तो कब से शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ तक है जमीन, दिखाओ। ये खोल सकते हो, देख लूं? ना सर चाबी नहीं है। अच्छा ये जो नीली बाउंड्री हो रही है ये सारी महागुंड की है, ये महागुंड की, ये वाला जो ये कर रहा है काम। कितना एरिया हो गए? 40,000 स्क्वायर मीटर है। 40,000? तो आप कहाँ बैठते हो महागुंड में, ये करंथम वाले ऑफिस में? करंथम तो हट गया हमारा ऑफिस। अब कहाँ चला गया? रेसर में कहाँ? अच्छा नया ऑफिस लिया है क्या? तो अभी तो फिलहाल तो मैं अमर भाई के ऑफिस में बैठने, वो है ऑफिस अमरपाली का तो ट्रांसफर हो गई है लैंड। हाँ लैंड ट्रांसफर सब लीज हो गई। हाँ ये तो ऊपर से हो गई, पर मेरे पास ऑर्डर आया था कि ये काम स्टार्ट होने वाला है। हाँ। मैंने काम करवा दिया। बेचना कब से शुरू करेंगे, कुछ आइडिया है? प्रोजेक्ट बनेंगे तो जब स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ट्रांसफर हो गई है, महागुंड ने बोला होगा ये कवर कर तो यार सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था, वो क्लियर हो गया इनका? हाँ, वो तो 15 जून तक इन्हें डेस्क रोड जमा करनी है, वो तो इनका काम कलेक्टिव संभालेगा ना। तो फिर ये लैंड कैसे आपको मिल दे दी इन्होंने? उनको ये लैंड तो वो मालिक से मालिक सेटिंग है। अच्छा वो वैभव जैन जो होंगे, हाँ, जो भी उनसे सेटिंग है, ये इन्होंने अपनी लैंड दे दी। अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कर रहे होंगे अभी काम, अरे लैंड तुम ले लो। हाँ और काम जो तो पैसा वैसा पहुंच गया होगा इनका, इन्होंने अलॉटमेंट पेपर असाइनमेंट करते की लैंड तुम्हारे हो गई, इससे हमारे कोई संबंध नहीं है, तो ये लाइन हमारी होगी तभी हम कवर कर रहे हैं इंडिया। म्यूचुअल हुई होगी अभी, फिर ये अथॉरिटी से ट्रांसफर नहीं हुई, अथॉरिटी से ट्रांसफर किया 15 लाख तक हो जाएगी। अच्छा अच्छा पेपर बन गए, पेपर तो बन गए, खाली साइन में गए। हमारा नाम क्या? मेरा नाम अक्षय। अच्छा इंजीनियर हूं महागुंड। और बारिश की शिकायत के बाद थाना 39 में दोनों पक्षों को बुलाया गया, महागुंड के लोगों से प्रोजेक्ट्स के पेपर मांगे तो बगले झांकने लगे। पुलिस ने भी मदद करने की बजाय अथॉरिटी से मामला हल कराने की बात कह डाली है। आप महागुंड की तरफ से वैसा हार्डबीट सिटी? अरे हम तो कानून की तरफ से। अच्छा महागुंड की तरफ से बोल रहे हैं? महागुंड की तरफ से मैं हूँ। अच्छा आप हैं? आपका शुभ नाम? ये तो कह रहे हैं कि हमने ट्रस्ट में एक ऑर्डर था, हमारा कंप्लेंट दिया है,